Okay. Good morning, students. But first of all, we have got the sample paper of plus two now, and on the same pattern, we have decided to conduct exams of plus one. Okay. So there is a little bit of change. First thing is that your paper will be of 40 marks. All MCQ based questions will be there. Okay. MCQs में सिंपल MCQs, कॉम्प्लेक्स MCQs सब तरह के आ सकते हैं. सिंपल में जैसे नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, डैश डेटा इज ओरिजिनल इन नेचर, प्राइमरी डेटा. ठीक है. कॉम्प्लेक्स में सीक्वेंसिंग बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैचिंग हो सकती है, एजर्शन रीजनिंग हो सकते हैं. देन देयर विल बी सर्टन क्वेश्चंस लाइक स्टेटमेंट. देयर विल बी टू स्टेटमेंट्स गिवन, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू. Assertion reasoning में ऐसे होता है ना, एक फैक्ट है, दूसरा उसका रीजन होता है, ये बताना है ये उसका रीजन है कि नहीं है. स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू में दो स्टेटमेंट्स होंगी, चार ऑप्शंस होंगे. पहला ऑप्शन स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो करेक्ट, ट्रू है, दोनों ट्रू है, ये ए ऑप्शन है, ए आर वाला है. लेकिन उसका उससे सिंपलर आ गया ना, उसमें ये देखना होता है आर ए का रीजन है कि नहीं. इसमें सिर्फ ये बताना है ये दोनों ट्रू है कि नहीं. अगर दोनों ट्रू है तो ए, अगर ए ट्रू है और बी फॉल्स है तो बी. ठीक है. इस तरह के चार ऑप्शंस हैं, ए ट्रू, वन इज ट्रू, टू इज ऑल्सो ट्रू, बी वन इज फॉल्स, टू इज ट्रू, या बोथ आर फॉल्स. सॉरी, बी में शायद ये दोनों ट्रू है, ये दोनों फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये वाला. ठीक है, वो आपको गिवन होंगे. ठीक, तो वो उस तरह के क्वेश्चन है, मैच दी कॉलम्स वाले क्वेश्चन है, सीक्वेंसिंग वाले क्वेश्चन है. अब दूसरी बात, देयर विल बी थ्री सेक्शन बेटे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी. सेक्शन बी में आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, सेक्शन बी में भी आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, सेक्शन सी केस स्टडी बेस्ड होगा, उसमें आपको 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, 50. ठीक है, तो एक क्वेश्चन विल कैरी द वेटेज ऑफ 0.8 मार्क्स, 0.8 मार्क्स. एक एमसीक्यू 1 मार्क का नहीं है, 1 एमसीक्यू विल कैरी दी वेटेज ऑफ 0.8 मार्क्स. यानी अगर आपके 50 के 50 एमसीक्यूज करेक्ट हैं, यू विल गेट 40 ऑन 40, 15 to 0.4. ठीक है, 90 मिनट्स यू विल गेट, 1.5 आवर. ठीक है, तो ये सीबीएसई का पैटर्न आया है जो कि हमें फॉलो करना है. वेरी फनी, राइट? सो यू आर फाइंडिंग इट फनी, बट सीबीएसई हैज जस्टिफाइड इट, सो नो कमेंट्स ऑन दैट. आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस इज गोइंग टू बी द पैटर्न. पार्ट ए कंप्राइजेस, इट कुड बी ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड माइक्रो, इट कुड बी मिक्स्ड. सेट ए में, सेक्शन ए में मिक्स्ड हो सकते हैं, इसमें भी मिक्स्ड हो सकते हैं, और इसमें केस स्टडी. तो केस स्टडी एक स्टैट्स में उसमें से हो जाएगी, एक 5-5 मार्क्स की दो केस स्टडीज, 10-10, 5-5 क्वेश्चंस उस पे बेस्ड. ठीक है, सो दिस विल बी द पैटर्न विच विल बी फॉलोड. दो चेंजेस मैंने बताए, 40 की जगह 50 हो गए क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस. दूसरा मैंने बताया सेक्शन सी अलग से हो जाएगा, और तीसरा ये स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू वाले क्वेश्चंस जो इंट्रोड्यूस हुए, सेम विल बी फॉलोड इन बिजनेस स्टडीज बेटे. ठीक है, अकाउंटेंसी का डिफरेंट हो सकता है क्योंकि उसका प्लस टू का भी डिफरेंट है, उसके शायद 45 क्वेश्चंस हैं, तो 0.88 मार्क्स के होंगे. ठीक है, सो इन दिस वे. अब चलो, लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन पार्ट नाउ बेटे. प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, विच आर द मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन. सो फर्स्ट स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी कंप्राइजेस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा. डेटा कैन बी कलेक्टेड making use of primary, or data could be primary, mass pen, data could be secondary.
ठीक है. सो व्हाट इज द प्राइमरी डेटा, व्हाट इज द सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा इज द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स, डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पस, ठीक है, फ्रॉम द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज प्राइमरी डेटा. जब कोई, देखो बेटे इसमें आपको एक तो पता होनी चाहिए, तीन पार्टीज होती हैं, एक इन्वेस्टिगेटर, हु इज द इन्वेस्टिगेटर, द वन हु इज कंडक्टिंग द सर्वे, सर्वेयर है जो कंडक्ट कर रहा है इंक्वायरी, इट कुड बी मी, मैं कोई सर्वे कंडक्ट कर रही हूँ, डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, मैं इन्वेस्टिगेटर हो सकती हूँ, इट कुड बी यू, ठीक है, इट कुड बी गवर्नमेंट, इट कुड बी स्कूल, इट कुड बी सीबीएसई, ठीक है, सीबीएसई ने अपना पोर्टल खोला हुआ है, वो सर्वेस कंडक्ट कर रही है, तो यहाँ पे सीबीएसई क्या है, इन्वेस्टिगेटर है, ठीक है. दूसरा जो होता है पार्टी, दैट इज इन्फॉर्मेंट. इन्फॉर्मेंट कौन है, जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर्म करने के लिए सीबीएसई सर्वे कंडक्ट कर रही है और वो इंफॉर्मेशन स्टूडेंट से ले रही है, तो उस केस में इंफॉर्मेंट कौन हो गए, स्टूडेंट्स. पेरेंट्स से ले रही है तो इंफॉर्मेंट कौन हो गए, पेरेंट्स. टीचर्स से ले रही है तो इंफॉर्मेंट कौन हो गए, टीचर्स, ठीक है. थर्ड पार्टी होती है एन्यूमरेटर. एन्यूमरेटर इज द वन हु कलेक्ट्स द डेटा. अब इन्वेस्टिगेटर सर्वे कंडक्ट कर रहा है तो कई बार इसके लिए पॉसिबल नहीं होता खुद डेटा कलेक्ट करना, तो इन दैट केस ही अपॉइंट्स एन्यूमरेटर्स. सो दोज हु कलेक्ट द डेटा दे आर कॉल्ड एज एन्यूमरेटर्स, ठीक है. जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंसस कंडक्ट करती है आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, तो वो क्या करती है, एन्यूमरेटर्स अपॉइंट करती है. जनरली गवर्नमेंट इंप्लॉइज, जो गवर्नमेंट टीचर्स होती है ना, उनको कहती है स्कूल नहीं जाना, ये सर्वे कंडक्ट करो, उनको ट्रेन करती है, उनको फॉर्म पकड़ा देती है, वो घर घर जाके ये डेटा कलेक्ट कर देते हैं. इन दैट केस दे आर दी एन्यूमरेटर्स, ठीक है. सो कमिंग अगेन टू द प्राइमरी डेटा, प्राइमरी डेटा इज द डेटा विच इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पस फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन, ठीक है. सो दिस डेटा इज ओरिजिनल इन नेचर, क्योंकि जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है हम उससे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं. सो ऑफ कोर्स दिस डेटा इज मोर एक्यूरेट, मोर रिलायबल, बिकॉज इट इज कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन, ठीक है. ये हमें ज्यादा अच्छी सी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देगा, रिलायबल इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन इसको यूज करना या प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करना वुड बी एक्सपेंसिव. इट वुड रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी, मैन पावर, राइट. सो वी शुड हैव अनदर प्लान बी रेडी विद अस. अगर हमारे पास ह्यूज रिसोर्सेज नहीं है, फंड्स नहीं है, एन्यूमरेटर्स नहीं अपॉइंट कर सकते हमें, मैन पावर नहीं और टाइम की भी कमी है, तो हमारे पास प्लान बी क्या है, मेक यूज ऑफ सेकेंडरी डेटा. व्हाट इज सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी डेटा विच हैज बीन कलेक्टेड बाय समवन एल्स फॉर हिज ओन पर्पस टू मेक यूज ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा, ठीक है. किसी पर्सन ने अपने पर्पस के लिए कोई डेटा कलेक्ट किया हुआ है, आपने उसी का डेटा यूज कर लिया, सेकेंडरी डेटा. अरे मैं क्या इसकी एग्जाम्पल दूं, आप क्या करते हो, टेस्ट हम लेते हैं आपके गूगल फॉर्म पे, एक बच्चा करता है उससे सब डेटा ले लेते हैं, बताना इसका क्या आंसर है, ये सेकेंडरी डेटा, ठीक है. सो मेकिंग यूज ऑफ द डेटा विच इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस इज सेकेंडरी डेटा, ठीक है. सो सेकेंडरी डेटा ऑफ कोर्स इज नॉट एज एक्यूरेट एंड रिलायबल एज दैट ऑफ प्राइमरी डेटा, बट यस इट कैन बी कलेक्टेड मेकिंग यूज ऑफ लेस अमाउंट ऑफ टाइम, एनर्जी, फंड्स, मैन पावर, ठीक है. नाउ ये मैंने कह दिया आपको बेटे कि जब इन्वेस्टिगेटर खुद डेटा कलेक्ट करता है उसको प्राइमरी डेटा कहते हैं, बट कैसे कलेक्ट करता है. अभी अगर आप कुछ नहीं, आपको सोचना दिया जाए कि बेटा बताना प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट होगा, तो आप ऐसे बोलोगे मैम इन्वेस्टिगेटर है तो इन्फॉर्मेंट के पास जाएगा, उससे इन्फॉर्मेशन लेगा, प्राइमरी डेटा आ गया. इट्स नॉट सो ईजी, देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग
primary data depending upon different situations. ठीक है, one way is or one method to collect primary data is direct personal investigation. This is similar to what you've been telling me, ma'am. Investigator है, informant के पास जाएगा, questions पूछेगा, data आ जाएगा उसके पास. This is direct personal investigation. Here the investigator makes direct face to face contact with the informant. ठीक है, investigator informant से direct contact establish करेगा. जो भी उसको डेटा कलेक्ट करना है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा उससे और डेटा ले लेगा. दिस इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. इसको हम इंटरव्यू मेथड भी कहते हैं. यू हैव अप्लाइड फॉर जॉब इन अ फर्म, अलोंग विद यू मेनी अदर्स हैव अप्लाइड फॉर जॉब. आपने अपना रिज्यूमे दे दिया, फर्म ने देख लिया कि ये क्वालिटीज हैं आप में, ये आपकी क्वालिफिकेशन है, बट दे ऑल्सो वॉन्ट टू कलेक्ट certain data off the record, you know, आपकी personality कैसी, आपके marks देख लिए उन्होंने, आपके credentials देख लिए theoretically, लेकिन वो आपकी personality के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं. So what do? They call you for the interview. What do they do in interview? The investigator establishes direct face-to-face contact with the informant and asks certain questions. In this way, he's collecting primary data. Which method he is making use of? Direct personal investigation. ठीक है, so in revision में I will be skipping the merits and demerits. जब आप method समझ में आ जाएगा तो merits demerits automatically समझ में आ जाएंगे. ठीक है, second method is indirect oral investigation. So नाम से ही पता चल रहा है, direct contact नहीं कर रहा investigator informant के साथ, indirect है. ठीक है, इनडायरेक्ट कैसे कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश कर रहा है, ये मत सोचो फोन पे कर लिया तो वो इनडायरेक्ट है, वो भी डायरेक्ट है. इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन रेफर्स टू दैट मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा वेयर द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्फॉर्मेंट फ्रॉम ए थर्ड पार्टी विच इज नोन एज विटनेस. इन्वेस्टिगेटर इन्फॉर्मेंट के पास डायरेक्ट नहीं जा रहा, वो किसके पास जा रहा है? विटनेस के पास. वो विटनेस जिसके पास इन्फॉर्मेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई नॉट डायरेक्ट. समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फॉर्मेंट. Sometimes the informant may not provide the accurate information. He may be reluctant. He may be hesitant to provide accurate information. दोनों केसेस मैं ले लेती हूँ. Not possible. Murder हो गया. किसका murder हुआ? A का murder हुआ. अब ये A से पूछ सकता है सवाल? इसका तो murder हो गया. Not possible. तो कैसे inquiry करेगा? थर्ड पार्टी से, विटनेस से इंफॉर्मेशन लेगा. दैट थर्ड पार्टी विच इज पोजेसिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्फॉर्मेंट. ठीक है, दूसरी सिचुएशन, वी वॉन्ट टू कंडक्ट सर्वे रिगार्डिंग यू नो ड्रग अब्यूज. देखो पंजाब में कितना ज्यादा है, तो हम एक पर्टिकुलर कॉलेज के बच्चों के, या हम ये देखना चाहते हैं ये एज ग्रुप के बच्चे जो हैं, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, इनमें ड्रग की या स्मोकिंग की या ड्रिंकिंग हैबिट्स के बारे में जानना चाहते हैं. सो अगर इन्वेस्टिगेटर बेटे पंजाब गवर्नमेंट है, वो पंजाब के बारे में डाटा कलेक्ट करना चाहती है, वो जाके बच्चों से पूछे बेटे आप ड्रग्स लेते हो, सिगरेट पीते हो, वो क्या बोलेंगे? नो, वी डोंट. वुड दे गिव एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन? नहीं. तो कहां से इंफॉर्मेशन लें? उनके फ्रेंड से ले लो, शॉप आसपास जितनी बुक शॉप्स हैं, गार्ड है बाहर का जो कि रोज बच्चों को आते जाते देखता है, सामने सिगरेट की शॉप है वहां से बच्चे लेते हैं, उनसे ले लो इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो ये कौन सा सोर्स हो गया, मेथड हो गया? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. बट इसके लिए विटनेस
का एप्रोप्रिएट होना बहुत जरूरी है. विटनेस में कुछ क्वालिटीज, इसमें इन्वेस्टिगेटर में क्वालिटीज होनी चाहिए वो एक्सट्रैक्ट कर सके इन्फॉर्मेशन. इसमें विटनेस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है. अगर विटनेस इम्पार्शियल हुआ तो इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं मिलेगी. ठीक है, तो इसमें आप एक ही टाइम पे ज्यादा जनों का डेटा ले सकते हो. ठीक है, थर्ड इज क्वेश्चनायर मेथड. यू जस्ट मेक अ क्वेश्चनायर. व्हाट इज अ क्वेश्चनायर नाउ? इट्स अ फॉर्म कंटेनिंग सेट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एंक्वायरी. फॉर्म कंटेनिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इंक्वायरी. सो यू हैव मेड वन क्वेश्चनायर. इट मे कंप्राइज ऑफ 10 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस. एंड यू सेंड दिस क्वेश्चनायर टू द इन्फॉर्मेंट्स बाय पोस्ट थ्रू मेल. आजकल बेटे ईमेल भी कर दो, आप चाहे ईमेल बॉक्स में डाल दो. आप अपना ईमेल खोल के देखना, आपको ढेरों ऐसी ईमेल्स आई होती हैं जिसमें कोई ना कोई क्वेश्चनायर होता है, आपको फिल करना होता है. ठीक है, सो ऐसे मेथड को क्या कहते हैं? मेल्ड क्वेश्चनायर मेथड. इसको बेटे हम तब यूज करते हैं जब हमारा जो स्फीयर ऑफ इंक्वायरी है वो बहुत लार्ज है. सीबीएसई के स्कूल्स देखो, ऑल ओवर इंडिया है. सीबीएसई ने 10th के बच्चों का सर्वे करना है तो उनके लिए क्वेश्चनायर बनाया. तो क्या सीबीएसई के लिए पॉसिबल है इतने एन्यूमरेटर्स अपॉइंट करे, है ना, स्कूल्स में भेजे, इंफॉर्मेशन ले? नहीं पॉसिबल. तो उसने क्वेश्चनायर, उसने हर स्कूल से डेटा मंगवा लिए, बच्चों के एड्रेस भेज दो, और उनको ये बाय पोस्ट क्वेश्चनायर भेज दिया. दिस इज अ मेल्ड क्वेश्चनायर मेथड. लेकिन अगर इन्फॉर्मेंट इलिटरेट है तो ये मेथड सक्सेसफुल नहीं है. जैसे फार्मर से कोई सर्वे करना है तो मेल्ड क्वेश्चनायर में. ठीक है, अब ये मेथड मैंने बता दिया. ठीक है बच्चे, क्वेश्चनायर बना दिया, भेज दिया, दैट्स इट. कल को मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया और मैंने कहा बेटे ये ना आपने इसका प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना है इसके लिए, तो आप क्वेश्चनायर बना लो. नाउ यू सिट टू मेक अ क्वेश्चनायर, नथिंग विल कम टू योर माइंड. व्हाट टू डू, व्हाट टू राइट, व्हाट क्वेश्चंस टू पुट. सो फॉर दैट यू शुड नो व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनायर. ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन अ क्वेश्चनायर. चार तरह के क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चनायर में. एक होते हैं स्पेसिफिक आंसर क्वेश्चंस, जैसे कि नेम. आप गूगल फॉर्म करते हो ना हमारा, उसमें पहला क्वेश्चन क्या होता है? नेम, क्लास, सेक्शन, एडमिशन नंबर, ये सब क्या है? स्पेसिफिक आंसर्स क्वेश्चंस. ठीक है, फिर टू वे क्वेश्चंस, जैसे अगर आपके दो सेक्शन है 11B 11C, तो मैं ड्रॉप डाउन देती हूँ. आपको 10th में ड्रॉप डाउन क्वेश्चन होते होंगे, है ना? वो तो अब टेक्नोलॉजी के करके हमने उसको ड्रॉप डाउन क्वेश्चन कह दिया. पेपर में अगर आए तो क्या लिखा होगा? विच इन विच क्लास डू यू स्टडी? 11A 11B 11C 11D. ये क्या है? टू वे, सॉरी ये तो फोर ऑप्शन हो गए ना. ठीक है, टू वे क्वेश्चन, वो ये एमसीक्यू हो गया एक तरह से. टू वे क्वेश्चन वो होते हैं जिसके दो ऑप्शन गिवन है, उनमें से एक टिक करना है, यस और नो, ट्रू और फॉल्स, राइट और रॉन्ग. डू यू थिंक न्यू एडुकेशन पॉलिसी वुड बी गुड फॉर योर फ्यूचर? यस और नो. डू यू थिंक न्यू एडुकेशन पॉलिसी वुड बी इम्प्लीमेंटेड इन इट्स टू ट्रू स्पिरिट? यस और नो. ठीक है, Do you like this? Yes or no? इस तरह के टू वे questions. ठीक है, तीसरे होते हैं MCQs, जो आपने अभी रिविजन टेस्ट दिया. ऑल MCQ बेस्ड questions वर देयर. आपको चार ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक टिक करना होता है. फिर होते हैं ओपन एंड questions. ओपन एंड questions जिसमें आपके व्यूज हम जानना चाहते हैं. What do you think is the positive point of new education policy? How do you think new education policy would be instrumental in fulfilling your dreams? कुछ भी ओपन एंड, आपने अपने विचार
लिखने हैं उसमें, ये ओपन एंड क्वेश्चन। तो जो ये क्वेश्चन आयर होते हैं उसमें ये चारों तरह के क्वेश्चन मिक्स होते हैं। तो जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है, नाम, फादर्स नेम, क्लास, वो स्पेसिफिक। फिर कुछ टू वे क्वेश्चन, डू यू ओन ए कार, यस और नो, डू यू गेट पॉकेट मनी, यस और नो, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ओपन एंड क्वेश्चन, ये आपको पता चल गया, थोड़ा सा माइंड में आया, हाँ आप क्वेश्चन आयर बना लो। दूसरा, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्वेश्चन आयर। सबसे पहले क्वेश्चन आयर में किस पर्पस के लिए इंक्वायरी की जा रही है वो मेंशन करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बोला बेटा ये लो क्वेश्चन आयर है, फिल करो, चलो आपने पकड़ा, अपनी इंफॉर्मेशन फिल की, फिर देखा इसमें कुछ लिखा ही नहीं है, आपने कहा मैम ये किससे रिलेटेड है इंक्वायरी। अगर मैं बोलूं बेटे मैंने नहीं बताना बस ऐसे ही कर दो आप, योर इंटरेस्ट विल नॉट बी क्रिएटेड, सम ऑफ यू विल लीव इट इन बिटवीन और वापस कर देंगे, हमें क्या लेना देना, मैम ऐसी अपने काम हमसे कराई जा रही है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ बेटे सीबीएसई ने ये चेंज इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, वो जानना चाहती है कि क्या आप इस चेंज के फेवर में हैं या नहीं है, आपकी जो फीडबैक है यो सीबीएसई की पॉलिसीज बनाने में बहुत हेल्पफुल होगी, योर इंटरेस्ट विल बी अराउज्ड, सो यू हैव टू राइट डाउन द पर्पस ऑफ द इंक्वायरी। सेकेंड, नंबर ऑफ क्वेश्चंस शुड नॉट बी टू लॉन्ग नॉर टू शॉर्ट, ये नहीं है कि चार क्वेश्चंस का क्वेश्चन आयर बना दिया, वो इन्फॉर्मेंट के लिए तो बहुत इजी है लेकिन इन्वेस्टिगेटर को उससे कोई फायदा ही नहीं होगा, इतने एफर्ट किए, पेपर वेस्ट किया, एन्यूमरेटर या बाय पोस्ट भेजे और इन्फॉर्मेशन कुछ मिली नहीं, तो ना तो क्वेश्चंस बहुत कम होने चाहिए ना बहुत ज्यादा। अभी मैंने आपको बोला चलो ये क्वेश्चन आयर फिल कर दो, है ना, आपने देखा एक दो तीन चार पांच पेजेस का क्वेश्चन आयर, 80 क्वेश्चंस, पहले ही आप डिस्करेज हो जाओ। तो इसीलिए एक अच्छे क्वेश्चन आयर में 15-20 क्वेश्चंस, बाकी तो डिपेंड करेगा इंक्वायरी के ऊपर, लेकिन फिर भी उससे ज्यादा या बहुत ज्यादा या बहुत कम नहीं होने। फिर पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछने, आपको कितनी पॉकेट मनी मिलती है, आपके पापा कितना अर्न करते हैं, पर्सनल या कोई भी, डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड, व्हाट्स हर नेम, ये पर्सनल क्वेश्चंस ये नहीं पूछने, वो डर जाएगा, बोलेगा इन्फॉर्मेंट मैंने नहीं ये बनना है कहीं मेरे पेरेंट्स को ही ना दिखा दे, ठीक है। पर्सनल रिलीजियस क्वेश्चंस भी नहीं, कॉन्ट्रोवर्शियल बिल्कुल भी नहीं, क्या आप उन संत महात्मा में बिलीव करते हैं, ठीक है कि नहीं, क्या आपके विचार में ऐसे इंडिया में ये माइथोलॉजी है ये होनी चाहिए, इस तरह के रिलीजियस क्वेश्चंस, कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। कैलकुलेटिव क्वेश्चंस कम से कम होने चाहिए, हाँ अगर कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है आप डेटा ले लो उससे कि इस क्लास में कितने आए थे, इस क्लास में कितने आए, ये मत पूछो इस क्लास से लेके इस क्लास तक कितने परसेंटेज चेंज आया, कहाँ बच्चों को मैथ्स आना है, फटाफट रख देना है, ठीक है। तो इसीलिए कैलकुलेशंस खुद कर लो, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं डालो। और क्रॉस वेरिफिकेशन क्वेश्चंस इस तरह से डालो कि इन्फॉर्मेंट अगर झूठ बोल रहा है तो आपको पता चल जाए, क्रॉस वेरिफिकेशन कर पाओ आप, हाँ जैसे चलो डू यू ओन ए कार क्वेश्चन डाला, विच मॉडल कार इज इट, ठीक है, दो तीन क्वेश्चंस कार से रिलेटेड पूछ के, पांच छह क्वेश्चंस के बाद फिर पूछ लिया हाउ ऑफन डू यू गेट इट सर्विस्ड, ऑन व्हाट नेम इज योर कार, मतलब अगर वो झूठ बोल रहा है ना तो यहाँ पे आके वो फंस जाएगा, अरे मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, इतने सारे क्वेश्चंस फिर ऊपर जाएगा, अच्छा आई डोंट ओन ए कार, नो सच बोल दो, ट्राई करो क्रॉस वेरीफाई करने की इंफॉर्मेशन, कि अगर वो झूठ बोल रहा है तो पकड़ा जाए, ठीक है। और सो लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, ये नहीं कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, वोकैबुलरी बहुत हाई है, इन्फॉर्मेंट को दिखाने की जरूरत नहीं है बेटे, आप ऐसी लैंग्वेज लिखो जिससे सबको जो
एम्बिग्यूस ना हो, यानी एक क्वेश्चन के अलग अलग मीनिंग ना आप निकालो, ये कुछ और समझा उसने आंसर दे दिया उस हिसाब से, आप कुछ और समझे आपने उस हिसाब, अनएम्बिग्यूस, ठीक है, डबल मीनिंग नहीं निकलना चाहिए उससे. सो दीज आर द सर्टन क्वालिटीज विच शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल फ्रेमिंग अ क्वेश्चन आयर, ठीक है. ये हो गया मेल्ड क्वेश्चन आयर मेथड. कब यूज करते हैं? जब इन्फॉर्मेंट्स लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं और स्कोप ऑफ इंक्वायरी लार्ज है. नेक्स्ट कौन सा है? क्वेश्चन आयर सेंट थ्रू एन्यूमरेटर्स. हमारा फिर स्फीयर ऑफ इंक्वायरी लार्ज है लेकिन हमारा इन्फॉर्मेंट पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको अगर बाय पोस्ट क्वेश्चनायर भेज भी दिया तो वो बेचारा क्या करेगा, उसको रद्दी में फेंक देगा, उसको तो पढ़ना ही नहीं आता. तो उस केस में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? क्वेश्चनायर बनाइए, एन्यूमरेटर्स अपॉइंट करिए, इन एन्यूमरेटर्स को इन्फॉर्मेंट के पास भेजिए, ठीक है. वो एन्यूमरेटर इन क्वेश्चनायर से क्वेश्चन पढ़ेगा, रीड आउट करेगा इन्फॉर्मेंट को, इन्फॉर्मेंट इसका आंसर देगा और इन्यूमरेटर उस आंसर को खुद लिखेगा. इसमें क्या फर्क है दोनों में? क्वेश्चनायर इज फिल्ड इन बाय इन्फॉर्मेंट हिमसेल्फ, बट इन दिस केस द क्वेश्चनायर इज बीइंग फिल्ड थ्रू, फिल्ड बाय एन्यूमरेटर. इन दिस केस क्वेश्चनायर कम्स टू बी नोन एज शेड्यूल. अब इसमें हम नाम बदल देंगे उसका, है वही चीज, है वही चीज, आपको बाय पोस्ट आई है, गांव में एन्यूमरेटर के हाथ भेज दी, लेकिन जो बाय पोस्ट आई उसको क्या बोलेंगे? क्वेश्चनायर. जो एन्यूमरेटर फिल इन कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? शेड्यूल. एमसीक्यू में आ सकता है क्वेश्चनायर्स आर फिल्ड इन बाय डैश वेयर एज शेड्यूल्स आर फिल्ड इन बाय डैश. तो इन्फॉर्मेंट एन्यूमरेटर, ठीक है. So, मैंने बता ही दिया जहां पे इलिटरेसी है वहां पे आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स. समटाइम्स द इन्वेस्टिगेटर रिक्वायर्स द डेटा ऑन रेगुलर बेसिस. इंफॉर्मेशन रेगुलर कंटिन्यूस बेसिस पे चाहिए होती है, तो उस केस में इनमें से कोई भी मेथड उसके लिए सक्सेसफुल नहीं है. ही विल अपॉइंट कॉरेस्पॉन्डेंट्स और लोकल सोर्सेज हु विल गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एंड गिव दिस इंफॉर्मेशन टू द इन्वेस्टिगेटर. न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, न्यूज चैनल्स, ये डेली बेसिस पे न्यूज देते हैं आपको. अब ये न्यूज का डेटा इनके पास कहां से आता है? दे हैव अपॉइंटेड कॉरेस्पॉन्डेंट्स, लोकल सोर्सेज, ठीक है, तो उनसे उनको कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन मिलती है. तो ये मेथड कब सूटेबल है? व्हेन यू रिक्वायर कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन, रेगुलर इंफॉर्मेशन, लाइक इन द केस ऑफ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, एटसेट्रा. दैट्स ऑल फॉर टुडे.